So hey guys, what's up? It's young dragon wale armor ki aakhri tafsil. So jao guys. मैंने पूरी 10 सेकंड वीडियो लंबी कर दी. हाँ. So, hey guys, what's up? Welcome back to another fake pixel scam block video. इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने कुछ मस्त fake pixel money tricks. बट उससे पहले तुम लोगों को मुझे एक चीज दिखानी है. ये देखो, मतलब लाइक देखो, मतलब मैं कुछ दिनों से ना कॉम्बैट एक्सपी ग्राइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉम्बैट लेवल 20 पहुंचना है और 100 के लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है. और मेरे को ये सुपीरियर आर्मर पहनना है इसीलिए, और लाइक कितना ओपी आर्मर तुम जानते ही हो, उसके लिए मैंने एक मिनियन लगाया है, ब्लेज मिनियन. अभी सोच नहीं टूटेगा पिक ऐसा. और गुड बॉय. हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है बंदा, मतलब काम कर. वैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत बेकार है, वो कोई काम कर नहीं करता. सबसे पहले मनी ट्रिक तो हर स्काई ब्लॉक प्लेयर को पता है ना. 3, 2, 1 लेट्स गो. मैक्स एसेसरी बैग अनलॉक, लेट्स गो. 1 eternity later. Okay guys, मैंने सारे मिनियंस को लूट लिया. मेरे पास अप्रॉक्स कुछ इतनी लूट आई है, बट अभी और भी आई है, मतलब इतनी सही नहीं होगा, और भी आई है. यहाँ पे मेरे पास कुछ मैंने अंडर चेस्ट में भी रखी है. ये देखो, ये इतनी सारी लूट है. तो सारे डायमंड्स और स्नोमेलिन अलग बेचूंगा और ये सब मैं अलग बेचता हूँ. चलते हैं बाजार में. ओके गाइस, मैं बाजार में पहुंच चुका हूँ. अब जितना भी लूट है जल्दी से उसको बेच के देखते हैं कितना हम लोग को प्रॉफिट होता है. मेरे को लगा 4-5 मिलियन का तो हो गए भाई. यहाँ पर तो भीड़ है, यहाँ बाजार एजेंट पे चलते हैं. ओके, अगर मैं देखूँ बिना स्नोमेलिन वाली तो भाई 1.6 मिलियन कम नहीं यार. अच्छा है, बस अच्छा ठीक है. तो ये भी क्या, मेरा एंचेंटेड ब्लेस पाउडर अच्छा बिक गया है. एंचेंटेड ये आइस है, ये भी बिक गया है. अब देखिए इसमें स्नो मिनियन वाले लूट को भी बेच के देखते हैं. इससे तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट पक्का होने वाला है. साथ में तुम लोगों को एक ट्रिक भी दिखा देता हूँ. अगर तुमको ये सारे एक ही बार मिलाने हैं ना, तुमको डबल टैप करके शिफ्ट दबा देना है और ये सब एक ही में तुम्हारे साथ आ जाएंगे इन्वेंटरी में. तो ये ट्रिक बहुत अच्छे काम जरूर आएगी तुम लोग के. भाई ये देख रहे हो, 5 मिलियन भाई. डायमंड के ब्लॉक ही सिर्फ 4 मिलियन के बिके हैं, बाकी सब तो उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है समझो. गजब भाई, मजा आ गया. जल्दी इसको बैंक में रखते हैं, देखते हैं कितना हम लोग का टोटल पैसा हो चुका है. टोटल हो गया हम लोग के पास 31.4 मिलियन कॉइन्स. अच्छे हैं यार, बेकार नहीं. ओके, तो अब बढ़ते हमने पहले मनी ट्रिक की ओर. तुम लोग इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली अगर तुम लोग मेरी जानते हो, तुम लोग ओल्ड सब्सक्राइबर हो, तुमको पता होगा ये ट्रिक. देखो मैं क्या करता हूँ ना, एंचेंटेड मैक्स लेजेंडरी एमरल्ड ब्लेड सिर्फ 400K में बनाता हूँ और उसको 1 मिलियन में आके ऑक्शन में आके बेच देता हूँ. तुम लोग खुद आके देखो. अभी मैं तुम लोग को बना के भी दिखाऊंगा. पहले ये देखो, तुम लोग अगर मैं यहाँ पे अपने जाऊँ मैं अपने क्रिएट ऑक्शन में, तो यहाँ पर मैं 2 लेजेंडरी एमरल्ड ब्लेड मैंने बेचे हैं 1 मिलियन कॉइन्स के. और इसको कल जल्दी से कर लेते हैं और लाइक 2 मिलियन तो ऐसे ही आ जाएंगे. और रेनबो रून किसी ने खरीदा नहीं, आई डोंट नो व्हाई किसने नहीं खरीदा. इसको फिर से लगा देते हैं ऑक्शन पे. ओके गाइस, तो मैं इसको बिनशन पे लगा देता हूँ क्योंकि इस पर जल्दी अच्छे से होता है. और लाइक आप तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम लोग लेजेंडरी एमरल्ड ब्लेड सिर्फ और सिर्फ 400K में कैसे बना के 1 मिलियन में बेच सकते हो. तुम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो देखो तुम लोगों को सिंपली करना क्या है, तुम लोगों को सबसे पहले ना अपने बैंक में सिर्फ और सिर्फ 400K कॉइन्स गिन के 400K निकाल लेने हैं, गिन के. ठीक है, उससे मत निकालना, वैसे 350 में ही हो जाएगा, बट कभी कभी हो सकता है प्राइस अप डाउन के चक्कर में हो जाए. तुम लोग को बाजार में आ जाना है. यहाँ पर तुम लोग को आने के बाद तुम लोग को 2 एमरल्ड के एंचेंटेड एमरल्ड के ब्लॉक खरीद लेने हैं, और फिर तुम लोग को 1 स्टिक भी खरीद लेनी है, और फिर उससे तुम लोग को बनाना है 1 एमरल्ड ब्लेड. तुम लोग को रेसिपी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए तुम लोग को एमरल्ड ब्लेड मैक्स एमरल्ड की रेसिपी मैक्स. यहाँ तुम लोग को बनाना है सिंपली 1 एमरल्ड ब्लेड. फिर यहाँ पर तुम लोग आगे आना बताना तुम लोग क्या करना है, ध्यान से देखते जाओगे. अब तुम लोगों को ये बहुत सही ग्रैंड एक्सपीरियंस बोल, मैं मेरे पास आइलैंड पे पड़ी थी, मैं वो लेने आ गया. और तुम लोगों को सिंपली इसको बाजार से खरीद लेना है, फिर तुम लोगों को यहाँ जाना है. ओके, तो तुम लोगों को एंचेंटिंग टेबल के पास आ जाना है. और लाइक देखो तुम लोग यहाँ पर, तुम लोगों को दिखेगा, तुम लोगों को थोड़ा दूर जाना है तो बंदे उड़ा देते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस. यहाँ पर तुमको ना एमरल्ड पे जितनी चीजें सब लगानी है. अब मेरा ट्रिक भी यूज करना, जो मैं पहले मैं 50 XP करूंगा फिर एक चीज लगाऊंगा. एक बार मैंने सब नहीं करना है, एक बार मैं कर दूंगा तो खराब हो जाएगा, मतलब देखते हैं वेस्ट होगा एक्सपी बॉटल. तो जल्दी मैं जितनी ज्यादा मैं एंचेंट्स लगा सकता हूँ लगा देता हूँ. One eternity later. ओके गाइस, मैंने फाइनली अपने पूरे एमरल्ड ब्लेड को मैक्स एंचेंट कर लिया है. जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, लाइक मेरा एमरल्ड मैक्स एंचेंट हो, तो मैं ये सब लगा देना. अब तुम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखो, बगल में एक ब्लैक स्मिथ दिखेगा, इसके पास आ जाना. और यहाँ पर थोड़ा टाइम रखता हूँ, तब तक रिफोर्स करना, जब तक तुमको गुड लक नाइस लगे, पहली बार में हो गया. तुम लोग को तब तक रिफोर्स करना, मैक्स एमरल्ड ब्लेड रेडी है. अब तुम लोग सिंपली इसको ऑक्शन पर लगा के बेच देना है. सिंपली इसको ऑक्शन पे आके क्रिएट ऑक्शन पे क्लिक कर सिंपली तुम लोग को इसको लगा देना है. और तुम लोग को इसका प्राइस का 1 मिलियन के आसपास रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, कम भी नहीं रखना, ठीक है बस. और इसको लगा देना है, तुमको कोई ना कोई इसको जरूर खरीदेगा, तुमको प्रॉफिट जरूर होगा इस पर.
तो अगर मैं प्रूफ करने के लिए अगले दिन तुम लोग से मिलता हूँ तो चलते हैं अगले दिन के लिए, मतलब चलते कैसे आने दो अगले दिन आपको क्या करेंगे। ओके गाइस, निर्दय हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सब हटो यार, लैग बाद में होगा, पहले देखते हैं। ओके 3 2 1 द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर एंड इन 3 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। देखे ये कभी नहीं बिकेगा, इसको मैं फेंकने जा रहा हूँ। अब कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग सिंपली लाइब्रेरियन के पास आ जाना, इसका तुम लोग जितनी एक्सपीरियंस बॉटल तुम लोग खरीदो तो उसकी रैंक है तुम लोग तो भाई बहुत ज़्यादा खरीद सकते हो, पता कर नहीं है तुम लोग 10 ही स्टैक खरीद सकते हो 6400 कॉइंस का। फिर तुम लोग यहाँ पे बाजार पे आ जाना है और यहाँ पे आके सिंपली इसको बेच देना है, तुमको प्रॉफिट होगा। जो कभी कभी प्राइस अप डाउन होता है तो उस पर ध्यान में देना, कभी कभी देखो टाइम लॉस होगा, मैंने देख के बेचना। तो मैं बेच देता हूँ, देखो मेरे को 9000 कॉइंस मिल चुका है, 3000 का प्रॉफिट हो चुका है मेरे को। तो अगर नेक्स्ट मिनट तुमको सिंपली यहाँ पे लंबर मर्चेंट के पास आकर सारी की सारी वुड 10-10 स्टैक खरीद के तुमको बेचना, लेकिन पहले तुमको प्राइस चेक करना। जैसे अभी एक वुड का प्राइस है 5 कॉइंस यहाँ पे, और बाजार में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चल रहा है 5.8 कॉइंस। तो हमको सिंपली इसका प्रॉफिट होने वाला है, सारे तुम लोग वुड बेच सकते हो, प्रॉफिट देख के आराम से बेचना, लॉस ना हो तुम लोग का। तो सबसे सारे जितने भी है सब 10 स्टैक खरीद के बेच के दिखाता हूँ तुम लोग को। ओके गाइस, मैं 10 स्टैक एक स्टैक का 320 कॉइंस, टोटल 3200 कॉइंस का मैंने 10 स्टैक खरीद लिया है। अब इसको बाजार में बेच के देखते हैं, यहाँ पर बाजार पे जाके देखते हैं 3700, ठीक है इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, अब कुछ तो प्रॉफिट हो। अब नेक्स्ट वुड के साथ यही ट्राई करके देखते हैं। ओके ओ भाई, इससे अच्छा प्रॉफिट रहा है, 14 के कम नहीं है यार, मैंने सिर्फ 5-6 हज़ार में खरीदे और 14 के में बेचे। नेक्स्ट वुड पे चलते हैं। ओके गाइस, वो छोटी छोटी मनी ट्रिक्स करने के बाद 63K का प्रॉफिट हो चुका है। अब तुम लोग क्या करना है, ध्यान दो, तुम लोग क्या करना है, हर चीज़ एडवेंचरर जितने भी NPCs हैं सबसे तुम लोग को प्राइस देखने हैं उन लोग के हर चीज़ के एक आइटम के, और फिर उसी का तुम लोग को प्राइस बाजार में देखना है, ठीक है। अगर उसका ज़्यादा हुआ सेल प्राइस तो मेरे को यहाँ से खरीद के वहाँ बेचना है। अब यही तुम लोग सब चीज़ में करो, मैं बहुत खोजा मेरे को अभी नहीं मिला, अभी प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है। और हाँ, ये स्नोरी ट्रिक तुम लोग को पता ही होगा, ये ट्रिक मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था, चलो दिखाई देता हूँ। तुम लोग जितनी भी पैक डेस्ट राइस है सब स्टैक खरीद लेना है और बाजार में जाकर सिंपली बेचना है, तुम लोग को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। रैंक है तो भाई तुम लोग और खरीद के और ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, मेरी रैंक चली गई है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा क्यों। तो तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, हाँ 21K का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास 31 मिलियन से 33 मिलियन हो चुके हैं, तक 2 मिलियन का प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है मेरे को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय या